मैं हूं फराह जुनेद और आप देख रहे हैं ज़ूम इन। कहते हैं कि लड़ने के लिए हाथ में जितना जरूरी हथियार होता है, इतना ही लड़ने के लिए आपके दिल में आग होना भी जरूरी है। और हमारे साथ जो हमारे आज के सिपाही हैं, वो बगैर खौफ और खतर के किसी भी आग में कूद पड़ते हैं, बगैर किसी हथियार के। तो मिलते हैं जनरल हमीद गुल साहब के साहबजादे अब्दुल्ला गुल साहब, जिनके वालिद का फरमान था, फियर इज नो ऑप्शन, सरेंडर इज नो पॉलिसी। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो भाई, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके बचपन से, क्योंकि माशाल्लाह इतनी बड़ी फैमिली और ऐसे माहौल में जो आपका बचपन गुजरा है, तो यकीनन बहुत खास होगा, क्योंकि एक बड़े बंदे के साथ जो फीलिंग आती है ना, वो बड़ी डिफरेंट होती है। तो मैं सबसे पहले वहीं से स्टार्ट लेते हैं कि आप अपनी उस फीलिंग को हमसे शेयर करें। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी बहुत अच्छी के लिए है, अल्लाह का शुक्र है कि मैं समझता हूँ कि मैं आज भी बहुत ब्लेस्ड हूँ। अल्लाह ताला की बड़ी अनायतें हैं, जो कि यकीनन मैं उसके काबिल नहीं हूँ, लेकिन ये मेरे वालदैन की दुआ है, उनका अल्लाह ताला ने एक मुकाम रखा था और जिसकी बुनियाद के ऊपर आज मेरा भी अल्लाह ताला ने कुछ जगह बना दी है। हम बड़े घर में पैदा जरूर हुए, लेकिन यह है कि बड़ी सोच हमें दी गई, ना कि बड़े जो वैल्यूज हैं वो फर्क थे। ये कहा गया कि लो लिविंग और हाई थिंकिंग रखनी चाहिए, एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कि ये चीज़ हमें बहुत आगे लेके गई। और बड़े घर में रहना, बड़े बाप का बेटा होना, यकीनन एक बहुत बड़ा अल्लाह ताला की ब्लेसिंग होती है, लेकिन बड़ा बन के दिखाना उसमें बड़ी बात, बड़ी इम्तिहान बड़ा हो जाता है। और आज मैं उसी दौर से गुजर रहा हूँ, उसी कड़े इम्तिहान से गुजर रहा हूँ कि मेरे वालदैन ने तो मुझे सिखाया और आज इसका अमली सबूत हम दे रहे हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं अपना वक्त ज़ाया करते हैं, मैंने बहुत सीखा। मैं पाकिस्तान पोलो टीम कैप्टन रहा, यंगेस्ट पोलो प्लेयर रहा, फिर उसके बाद मैंने स्विमिंग के अंदर जो है पंजाब लेवल के ऊपर चैम्पियनशिप जीती। मैं गोल्फर था, बहुत अच्छा गोल्फ खेलता था, और इसी तरीके से दीगर जो एथलीट्स थी, शिकार पे जाया करता था, शूटिंग करता था। मेरी अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जो मैं ग्रुप बनाता हूँ, इवन फौजी हैरान हो जाते हैं कि इतनी प्रिसिजन के साथ मेरी शूटिंग है। अल्हम्दुलिल्लाह ग्रूमिंग में है, तो ग्रूमिंग है, और हमने सीखा उस फैसिलिटी को, जिस जगह पे हम रह रहे थे हमने उस फैसिलिटी को, और फौज मेरा घर है और फौज ने हमें बहुत कुछ दिया। और मेरा आखिरी दम तक मेरी वालदा का जिस तरह से उन्होंने इलाज किया फौज की, मैं समझता हूँ कि फौज पाकिस्तान का कोई सानी नहीं है। बेशक। तो आप वैसे तो बिजनेस पढ़कर आए, और बिजनेस करते करते पढ़ते पढ़ते आपने इंटायरली डिफरेंट साइड पे टर्न ले लिया और नौजवानों को जगाने का बीड़ा उठा लिया, तो ये इसकी क्या रीजन थी? ये बड़े इंटरेस्टिंग सवाल है। उसकी वजह यह है कि वो आपने कहा ना कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, असल में इश्क होना जरूरी है। जब आप अपने इश्क कौज से करें, अपने मुल्क से करें, और वो इश्क जो है वो मुझे विरासत में मिला, मेरा नहीं था। तो मैं अगर कहूँ कि मैं तो बहुत बड़ा नहीं, मैं तो जाता था अबू के साथ जाके दावतों के अंदर खाना खाने जाता था, मैं कहता अच्छा खाना भी ले जाऊँगा। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता कतरा कतरा अच्छी चीज़ कान में पढ़ना शुरू हो गई और सुनना शुरू हो गया, पता नहीं कब सारे अशार याद हो गए, कब सारी अच्छी बातें जो है वो समो ली। और ज़ाहिर है जन साहब भी जब जाया करते थे तो वो अच्छी महफिलों में जाया करते थे, और वहाँ बहुत बड़े बड़े लिखे लोग मौजूद होते थे, बड़े बड़े सहाफ़ी कदावर शख्सियात जो थी वो वहाँ मौजूद होती थी, पाए के लोग नापैद होते जा रहे हैं। तो उनके साथ बचपन गुजरा, सीखा, और उनकी जूतियों तो फैल आज जो है वो एक इश्क पैदा हुआ अपने मुल्क के लिए कुछ करने के लिए। देखा यह कि जब जनरल मुशरफ था माशाल्लाह लगा, तो मैं पहला नौजवान था जो गिरफ्तार हुआ और अडियाला जेल के जाते, और वहाँ हमने एक टाइम गुजारा, बहर को एक अलग बात है, लेकिन वहाँ से मुझे एक अजम और हौसला लेके आया। मैंने कहा कि नहीं, अब मैं पाकिस्तान के नौजवानों को यूनाइट करना है, हमारी कौम बहुत तकसीम का शिकार है
اور اس تقسیم کے عمل کو ختم کر کے اتحاد کی طرف لے کے جانا ہے, کیونکہ یہی واردہ سے مجھے الحمد للہ ہے جمیع والا تفرقہ کا پیغام ہے, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقہ کے نام پر. یہ موٹیویشن تھی اس کے پیچھے. تو اصل صرف یہی ہے کہ جب آپ اس راستے پہ چل پڑتے ہیں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے, جو سچائی کا راستہ ہے, جو راستہ حق کا ہے, کیونکہ حق جو ہے وہ رہنے کے لیے ہوتے ہیں اور باتیں مٹنے کے لیے ہوتے ہیں, تو وہ راستہ اس طریقے سے یہ موٹیویشن پیدا ہو. کسی نے کوئی انگلی بھی نہیں پکڑی, کسی نے مجھے یہ جن صاحب نے یہ کبھی نہیں کہا کہ یہ سیکھو یا یہ کرو, بھائی ایسے ہوتا ہے. ایک بات کر دیا کرتے تھے بس, وہ پلے سے بات نہیں ہوتی, لیکن اس کے لیے پہلے وہ صداقت سے مرنے کی طلب تو ہو. تو یہ شاید اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ جو ایک دل ایسا دیا جس کے اندر یہ خواہش تھا, جو خواہش ہے. آپ کی تحریک ہے جو جس کے آپ چیئرمین ہیں, تحریک نوجوانان پاکستان کشمیر, اس کا موٹو کیا ہے؟ یہی ہے کہ آپ لوگوں کو, یعنی نوجوانوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں, جوانوں کو پیروں کا استاد کرنا چاہتا ہوں. تحریک جوانان ہے کیونکہ نوجوان نہیں ہے, نوجوان اگر کروں گا تو ایک خاص طبقے کے لیے ہو جائے گا. جوان یہ ہے کہ عزم اور حوصلہ جس کا جوان ہے. یہ واحد پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے پاکستان کے اندر جو الیکشن کمیشن پہ رجسٹرڈ ہے, وہ ایسی تو پولیٹیکل پارٹی اور جوانوں کے نام پہ, باقی تو سارے لوگوں نے اپنے ونگز بنائے ہوئے ہیں, کوئی سیکشنز بنائے ہوئے ہیں. It is the only organization which is, you know, truly نوجوانوں کی, جوانوں کی اپنی ہے. اور اس کے بنیاد یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ صورتحال کے اندر میں نے پریزنٹ حکومت کے اندر مشکلات دیکھی کہ لیڈرشپ کا فقدان ہے. لیڈرشپ امپورٹ کرنی پڑے, وہاں سے لوگوں سے ادھر ادھر سے اکٹھے کرنے پڑے جن کی ذہنی ہم آہنگی نہیں تھی, جن کی وہ گرومنگ نہیں تھی. الحمد للہ میں آئی کین پراؤڈلی سے کہ میں نے جوانوں کو جو ہے پالش کیا, ان میں موجود تھی وہ ایک خوبصورتی تھی, ہم نے اس کو تھوڑا سا تلاشا اور وہ اس کو ہیرے کی چمک دی تھی. ہیرے تو تھے, چمکایا تھا, اور اس کے بعد ان کو میں نے قیادت دی. اور آج اللہ کا شکر ہے میرے بلوچستان کا جو پریزیڈنٹ ہے وہی 24 سال کا ہے وہ لڑکا, اور وہ 24 سال کا وہ ایسا ہے کہ وہ اگر ایک اشارہ کرے تو بلوچستان کو وہ ہالٹ کروا دیتا ہے. یہ الحمد للہ وہ کہ ہمارا ایسا مقصد نہیں ہے پورے بلوچستان میں, چاہے وہ بلوچ بیلٹ ہو, چاہے وہ پشتون بیلٹ ہو, اس کے اندر اس کی ایک بہت بڑی طاقت ہے الحمد للہ, جو کہ تمام حکومتی ادارے اس کو بہت اکنالج کرتے ہیں. انٹرنیشنلی ہم بی بی سی کے اوپر, دیگر ایسے جو ہے وہ اس کے اندر ہمارا نام لیا جاتا ہے. کے پی کے اندر الحمد للہ ہمارے اگین ایک جوان انسان ہے, اسی طرح سے کشمیر کے اندر ہمارے بالکل ایک نوجوان لڑکا ہے, تو شادی بھی نہیں ہوئی اس کی. اور اسی طریقے سے جو ہمارے پنجاب ہے یا سندھ ہے, بہت زبردست الحمد للہ جوانوں کو ہم نے نئی قیادت, تاکہ مجھے کہیں سے امپورٹ نہ کرنا پڑے. یہ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ جوانوں کو سامنے لائیں, اور کس مقصد کے لیے کہ متحد ہو جائیں, منظم ہو جائیں, متحرک ہو جائیں, اور تمام ان قوتوں کے خلاف مزاحمت کریں جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں, ڈی ملٹرائز کرنا چاہتی ہیں, ڈی نیوکلیرائز کرنا چاہتی ہیں, ڈی اسلامائز کرنا چاہتی ہیں, ڈی لنک فرام چائنا کرنا چاہتی ہیں. یہ ہم نہیں ہونے دیں. پاکستان کے اوپر کوئی حرف اٹھائے, انگلی اٹھائے, وہ انگلی بنی نہیں ہے. آپ کی سوچ تو بہت اچھی ہے, لیکن میں اس میں جاننا چاہتی تھی اس کا کہیں, یعنی آگے جا کر آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کا اٹیچ ہو جاتے ہیں, کہ ابھی تک آپ کا کہیں پہ بھی مجھے نظر نہیں آیا کہ آپ کسی بھی پولیٹیکل, اتنا کام پاکستان کے لیے لڑنا چاہتے ہیں, کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ آپ کہیں پہ نہیں. کیونکہ کشمیر کے حوالے سے جو ہم نے ابھی صرف یہ حالیہ چند ماہ کے اندر ہم نے کوئی 100 کے قریب ریلیز نکالی ہیں پورے پاکستان کے اندر, الحمد للہ یہ بڑی سے بڑی آرگنائزیشن ہے. اور کیا پیسے تو کوئی ہے نہیں, جو اپنے پاس جو چند ایک ہیں ہم مل جل کے جو کر لیتے ہیں, کوئی 100 روپے, کوئی 500 روپے, کوئی 1000 روپے, کوئی 5000, ایسے ہم چل رہے ہیں اللہ کا شکر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی سپورٹ نہیں لیتے. تیسری بات یہ ہے کیونکہ خودداری جو ہوتی ہے یہ بہت آنر, جس طرح آپ نے کہا نا, تو جنرل سر ایک اور بات بھی کہا کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ ڈیتھ بفور ڈس آنر,
कहते थे मौत आ जाए इंसान की इज्जत खराब होने से पहले, तो ये एक माइंड में रहा है। देखे ना, मैंने कहा कि मैं मोटिवेटेड हूँ अपने फादर की एक सोच से। अब इसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज का आपने कहा, तो दिफाई पाकिस्तान काउंसिल के अंदर मेरे ख्याल में हम वाहिद जमात हैं जो बगैर दाढ़ी मूंछ के हैं और दिफाई पाकिस्तान काउंसिल की मरकजी क्यादत का हिस्सा है। इसी तरीके से मिली यकजहती काउंसिल के जो है वो मरकजी क्यादत का हिस्सा हमारा मुझे था, और जो दीगर सियासी जमातें, तो ये तो सियासी इनकी आजादा दाहियाँ हैं, इनकी शिकार गाहें हैं, तो सियासत भी में जा रही है, इनकी सियासत भी जो है वो मौलूसियत का शिकार हो चुकी है। इसलिए हमारी कोशिश ये है कि करेंगे, देखें पॉलिटिकल अरीना में जब आप आते हैं तो पॉलिटिकली आपको चीज़ों को देखना पड़ता है, क्योंकि जाहिर है अगर आपके पास डिवीजन का सवाल है तो डिवीजन ही लगेगा, वो आपको सब्ट्रैक्शन या एडिशन से जो है वो हल नहीं होगा या मल्टीप्लिकेशन से हल नहीं होगा। इसलिए सियासी जो अवपेच है वो हम जानते हैं अल्लाह का शुक्र है, और मैं समझता हूँ कि नई डायनेमिक्स, एक रियलिटी ये है कि चेंज तो पाकिस्तानी पहुंच जाती है, लेकिन जो चेंज के दाई थे शायद वो चेंज ना ला सकें, ना ला सके अभी तक, और कोई तो लाएगा। द डिजायर इज मोर देन बिफोर, कोई तो लाएगा, है ना जवान, तो लाएंगे बिल्कुल। तो ये मुझे एक चीज मैंने जो स्पेशली मेरे बैक ऑफ द माइंड चलती रहती है कि ये अल जजीरा में भी आपने लिखा, डिफरेंट मैगजीन्स में भी आप लिखते हैं, लेकिन आपको डर नहीं लगता, यानी आपके कैंडिड व्यूज होते हैं तो आपको किसी चीज से डर नहीं लगता, तो ये ख्याल नहीं आया कि ये चीज मेरे लिए नुकसानदेह हो सकती है? ये एक सजदा जैसे तू गिरा समझता है, हजार सजदे से देता है आदमी को निजात, कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। जब आप एक रास्ते पे चल पड़ते हैं, मैंने सोच समझ के एक रास्ता इख्तियार किया था, मतलब दूसरे जर्नैलों के बच्चों की तरह आराम से बड़े बड़े घरों में बड़े अच्छे अच्छे बिजनेस या बड़े अच्छे अच्छे मैं मामलात करता, दुनिया घूमता फिरता, जो कि मैंने बहुत घूमी फिर ही अल्लाह का शुक्र है, लेकिन अब मैं पाकिस्तान के साथ रहना चाहता हूँ, मैंने यही माना बहुत बढ़िया, और पाकिस्तान मेरा प्यार है, आपका पहला प्यार है और आखिरी भी, नहीं मेरा पहला प्यार तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माशाल्लाह माशाल्लाह, वो जाहिर है, वो फिर जाहिर, और मेरे वालिद की जो मोहब्बत है वो भी इस पाकिस्तान और इस दीन के मोहब्बत के हवाले से है। पाकिस्तान तो पाकिस्तान अपने प्यार के लिए इंसान कुर्बानियाँ भी देता है, इस पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया, हम जो कुछ हैं जैसे जी हैं इस प्यार और इस पाकिस्तान की वजह से। हम अभी किसी हकीकत ये है कि हम अगर आज़ाद ना होते तो मैं क्या और मेरे वालिद क्या, हम किसी की मुलाजमत किसी हिंदुस्तान के अंदर, आपकी पहचान उससे पाकिस्तानी कौम ने बहुत कुछ दिया। तो अफगानिस्तान में आपने जिहाद में भी हिस्सा लिया था बहुत टीन एज में, तो कैसा वो एक्सपीरियंस था, क्या फीलिंग थी? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था अफगानिस्तान का जो है वो, क्योंकि मेरे वालिद उन जर्नैलों में से तो थे नहीं जो दूसरों के बच्चों को भिजवा दें, क्योंकि अक्सर सोशल मीडिया पर किसी की बातें चलती रहती हैं, जनाब मैं क्या, मेरे बड़े भाई जो हैं दोनों हम जिहाद में शरीक थे, मेरे वालिद खुद जिहाद में शरीक थे, और अगर कुछ हो जाता हमको तो फायदे पाकिस्तान ने कहा था कि हम आपको क्लेम भी नहीं करेंगे, क्योंकि कर नहीं सकते थे, तो कहा था कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह स्टिंगर मिसाइल भी चलाया, एक रूसी जहाज भी गिराया, और मैं मौलवी जलालुद्दीन हकानी के साथ एक रूम में रहा, तब तो मेरी दाढ़ी मूंछ भी नहीं आई थी, बाकी अल जजीरा के लिए लिखा अल्लाह का शुक्र है, $4,000 मिलते थे 3,000 वर्ड्स के लिए, और एज मानी आर्टिकल्स एज आई कैन राइट, मेरे प्रेजिडेंट ओबामा ने आर्टिकल पढ़ के मुझे फोन किया बताया, लेकिन नारा मैं इस चीज़ों में नहीं, ये कोई ऐसे नहीं मैटर्स, पाकिस्तान के लिए छोड़ा जाता सारा अल जजीरा कतर का, मैं जो है साउथ एशिया थिंक टैंक का उसका मैं हेड था, और अल्लाह का शुक्र बड़ी बहाना है एक मेरी इज्जत थी, बट मैं अपने वालिदैन को और अपने पाकिस्तान को छोड़ नहीं सकता था, इसलिए वापस आ गया, एंड आई हैव नो रिग्रेट्स। सही, सबसे बड़ी बात यह है। तो आप पे ये 1918 में एक लाइफ जो थी अटेम्प्ट भी हुई, और वो भी साथ साथ मैंने ये भी आपने एक जगह मैंने सुना कि आपने कहा कि आपके फादर की भी जो डेथ थी वो नेचुरल नहीं थी,
इसमें कुछ शक मतलब इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि ये बात सही है या गलत है। देखिए उसके अंदर ये था कि 2018 के अंदर मेरे पे और जो है मौलाना संजीव पे एक ही वक्त में तकरीबन अटेंड हुई थी वो अल्लाह को प्यारे हुए मुझे अल्लाह ताला ने बचा था। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक जो ये सलमान की इस प्रोसेस के अंदर हम किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन सीधी सी बात है इसराइल और हिंदुस्तान नहीं चाहता कि वहाँ अमन आए क्योंकि उनको पाकिस्तान को इंगेज रखना है, इसलिए वो तमाम लोग और तमाम ऐसे कोशिशें जो उसको पीस ला सकें वो उसको सैबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्लाह ने मुझे बचाना था तो हमला हुआ था बकायदा और उसके डांडे जो हैं वो एनडीएस और रॉ से जाकर मिलते हैं, ये तो बाद में रिपोर्ट भी आ गई। जहाँ तक ताल्लुक है मेरे वालिद के हवाले से तो उसके ऊपर क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें आई जब मेरे ऊपर ये अटेंड हुए मौलाना हमीद गुल का जब हुआ तो वहाँ फिर अफगान सोशल मीडिया की तरफ से और इंडियन सोशल मीडिया की उन्होंने ये कहा कि जनरल साहब को जो है वो एक हमारी अटेम्प्ट थी। ये बात मैंने फिर वहाँ जो हमारे इदारे हैं और जो हमारे जो लोग हैं उनको तक मैंने पहुँचाई ये बात और क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग वॉइसेस थी और ये भी हकीकत है कि जनरल साहब तो बिल्कुल हेल एंड हार्ट थे। उनका 3 महीने पहले जब लास्ट चेकअप से इतना गबर उन्होंने कहा कि जब वो एक्सरसाइज वगैरह कर ली और वो सारे जो टेस्ट हो गए तो जनरल साहब ने कहा भाई क्या रिपोर्ट है डॉक्टर से, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि जी यू आर नॉट फिट। तो उन्होंने कहा क्या मतलब है कि फिट नहीं, उन्होंने कहा कि यू आर सुपर फिट, आप तो एक जवान से भी जो है वो बेहतर है, आपका दिल तो एक नौजवान से भी बेहतर चल रहा है। तो लास्ट नाइट भी उनका एक इंटरव्यू हुआ था जो मुझे पता चला और उसको माशाल्लाह नहीं वो तो किलोमीटर के हिसाब से वॉक करते थे और मेरे से वो फिट थे, मेरे से कहीं फिट थे, मैं थक जाता था वो नहीं थकते थे। तो इसलिए वो बाकी तो अल्लाह ताला के, लेकिन मैं ये कहूँगा वो गैरत मान और उन्होंने किसी का 1 मिनट बाबू नहीं पकड़ा, बस 3 मिनट के अंदर वो चले गए। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ मौजूद नहीं था मुल्क में और जब मैं गया था तो उनकी मुझे उन्होंने एक काम से भेजा था पाकिस्तान के हवाले से ही था, एक बड़ा काम था मेरी वहाँ तो वजीर आजम से मुलाकात थी और मैं गया था 5 दिन के लिए पीछे, बस ये वो क्या मैं साए की तरह रहता था। मैंने तो कभी मेरी जिंदगी की अगर सबसे बड़ी मिस्टेक है तो मैं वो ये कहता हूँ कि मैंने वो क्यों मैं गया, लेकिन वो भी हुक्म था इसे जाना था मुझे, अब उसी की तकमील के लिए वो अब उसी की तकमील मेरे पास दो रास्ते थे, मैं चाहता तो आराम से वो आसाइशों की जिंदगी गुजारता या अफसोस करता और दूसरा ये था कि मैं खड़ा हो जाता और मैं समझता हूँ कि मेरे वालिद आज जिंदा है और बिल्कुल आज सोशल मीडिया पे अगर बात आती है तो आती ही सिर्फ मेरे वालिद के हवाले से, वो कहते हैं उन्होंने ये कहा था पुलवामा पे, ये कहा था ईरान के हवाले से, ये कहा था तो सारी बातें जो है तो फिर वफात तो उन लोगों की होती है जो जिंदा रह के भी जो है गुमनाम हो जाते हैं, लेजेंड्स की नहीं, जो लोग तारीख में जीते हैं वो उनकी कभी भी जो है वो इंतकाल नहीं होता। बेशक बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।